हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों आज का प्रश्न है वनों की कटाई के कोई दो परोक्ष परिणाम लिखिए। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों इसका उत्तर है वनों के काटने से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, यानी मृदा अपरदन बढ़ जाता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी कि वृक्ष पानी को सोखने का काम करते हैं। जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो पानी सोख नहीं पाएगा और जिससे वर्षा का जल भरने के कारण बाढ़ जैसी बड़ी समस्याएं आएंगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में कमी आ जाएगी या आ जाती है, क्योंकि वनों में बहुत प्रकार के जड़ी बूटियां मिलती हैं तो उनमें भी कमी आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मिस्टर सचिन टीच को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हम और भी वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।